Hello students, so how are you all? Today we are going to start, finally we are going to start our chapter number one, that is life processes. Alright, so here we begin. So students, this is our chapter number one, that is life processes. Alright, so life processes से हम लोगों को क्या मतलब पता चलता है? Life processes, life का processes, life कैसे कैसे life का process होता है, ठीक है? तो सबसे पहले इसका definition हम लोग देखते हैं. All the physiological or functional activities of the organism essential for sustaining life are called life processes. तो life processes क्या है? ये एक physiological and functional activities है. Physiological means कोई भी body का activities है. Any body related function, any body related फंक्शन, ठीक है? कोई भी बॉडी रिलेटेड फंक्शन हो, जैसे कि बॉडी पार्ट्स रिलेटेड फंक्शन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन. तो कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो या फंक्शनल एक्टिविटीज हो. फंक्शनल एक्टिविटीज मतलब जैसे हार्ट का एक्टिविटी हो गया, किडनी का एक्टिविटी हो गया, ठीक है, ये सब एक्टिविटीज. कोई भी फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एक्टिविटीज जो कि एक ऑर्गेनिज्म को उसके लाइफ को जीने के लिए चाहिए होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लाइफ प्रोसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइफ ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल फीचर है लाइफ की, कोई भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ जीने के लिए, तो उसको हम लोग की क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन, बहुत सारे. ऐसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है एंड बहुत सारे एग्जांपल्स है इसका. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन. सो here is a new topic, that is nutrition. All right, so before dealing with nutrition we have to be familiar with the word food. So food kya hota hai? Yes, khana. So it is an essential substance for maintaining life. Ye kyu zaruri hota hai? क्योंकि ये हमारे लाइफ को मेंटेन करता है. ये बहुत जरूरी सब्सटेंस है, ठीक है. इट इज एन एसेंशियल सब्सटेंस फॉर मेंटेनिंग लाइफ. सो नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ फूड्स, ठीक है. ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए. जो भी एक्टिविटीज हमारे शरीर में होते हैं, खाना पीना से लेकर के सब कुछ में हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है खेलने कूदने के लिए. आजकल तो कोई खेल कूद नहीं रहा है, फिर भी खेलने कूदने के लिए. फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, जैसे कि हमारे बॉडी में बोन्स का फॉर्मेशन होता है, हेयर्स का फॉर्मेशन होता है, नेल्स का फॉर्मेशन होता है, कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है. इट रिपेयर्स डैमेज टिश्यूज एंड सेल्स. ये हमारे हम लोग को जैसे चोट लगता है, गड्ढा हो जाता है, तो वो भरता है, ठीक है, और वुंड्स को रिकवर करता है. ये हमको प्रिवेंट करता है और प्रोटेक्ट करता है डिजीज से. ये हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, डेवलप्स इम्यूनिटी. ऑलराइट, तो फूड क्या है? बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ऑलराइट, नाउ सीइंग, नाउ लेट्स गेट मोर फैमिलियर विद द वर्ड न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स एक इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे फंक्शन को परफॉर्म करने में बहुत हेल्प करता है. तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया न्यूट्रिएंट्स का? यस, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेस, वाटर, एल्ट्रेक्स्ट्रा एल्ट्रेक्स्ट्रा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड सो ऑन. बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है. और जब हम लोग ऐसे फूड को इनटेक करते हैं तो ये हमारे बॉडी फंक्शन को बूस्ट करता है, इन्हांस करता है. जैसे कि हम लोग फोन में वायरस फ्री ऐप डालते हैं तो वो हमारे फोन को बूस्ट करता है. सेम उसी तरह न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन फूड टू बूस्ट अप द न्यूट्रिएंट्स.
Now, here comes our lovely topic, that is nutrition. So, nutrition kya hai, theek hai? It is a series of process by which a living thing take in and assimilate various food material required for maintenance, growth, reproduction, etc. is called nutrition, simply. तो देखो, nutrition क्या है? ये जो है, हम लोग जब food intake करते हैं, ठीक है? जब हम लोग food intake करते हैं, कोई भी food material को, और food का intake करना, और वही food का absorption होना, वही फूड बहुत सारे बॉडी फंक्शन में यूटिलाइज होना, तो उस मोड ऑफ टेकिंग फूड को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. ऑल राइट. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेलो बच्चों, सो हाउ आर यू ऑल? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. हम लोग पहले ही न्यूट्रिशन पढ़े, लाइफ प्रोसेसेस पढ़े, ठीक है? तो अब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. उससे पहले आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाए फॉर द लेटेस्ट अपडेट. सबसे पहले आप लोग ये चार्ट देखिए, ठीक है? सो इसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको इसमें? देखिए, ये न्यूट्रिशन है, ठीक है? इसके दो मोड्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो पार्ट में डिवाइडेड है. वन इज फोटो ऑटोट्रॉपस, सेकेंड इज केमो ऑटोट्रॉपस. हेटरोट्रॉपस तीन पार्ट में डिवाइडेड है. वन इज सेप्रोफाइटिक, सेकेंड इज होलोजोइक एंड थर्ड इज पैरासाइटिक, ठीक है? तो नाउ डीलिंग विथ ईच एंड एवरी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन तो हम लोग पढ़ लिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? लेट्स सी. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेट्स सी व्हाट्स इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देखो ये बहुत इजी है, ठीक है? इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ऑटो एंड ट्रॉप. तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है? और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? तो वैसा ऑर्गेनिज्म, तो द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एनी एनर्जी, ठीक है? तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्लांट और जो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद बनाता है और खुद के न्यूट्रिशन से, ठीक है? खुद न्यूट्रिशन अपने आप को प्रोवाइड करता है, तो उसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ मूविंग ऑन टू द हेटरोट्रॉप. हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है? और ट्रॉप का तो मतलब सेम, न्यूट्रिशन. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप में मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है? तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉप. क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप, ठीक है? और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? अब ये टॉपिक आ गया. अब ये देखो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का हुआ, एक फोटो ऑटोट्रॉप और एक केमो ऑटोट्रॉप. तो फोटो में, फोटो मींस क्या होता है? लाइट. फोटो मींस लाइट और केमो मींस होता है केमिकल. ऑलराइट, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट के मदद से अपना फूड बनाए उनको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिज, और जो केमिकल के मदद से फूड बनाए उनको बोलते हैं केमिकल ऑटोट्रॉप्स, और उनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? केमो ऑटोट्रॉपिज. सेप्रोफाइट्स, हेटरोट्रॉपिज भी किसमें डिवाइडेड है? सेप्रोफाइट्स, होलोजोइक एंड पैरासाइटिक, ठीक है? तो सेप्रो मीन्स क्या होता है? सेप्रो मीन्स होता है डेड और डिकेड, ठीक है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करे उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, और उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटेक करे, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक, और उनके मोड को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट आर पैरासाइट्स? एक होस्ट पे
अपने आप को फीड करते हैं, ठीक है। किसी होस्ट पे वो अपने जो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के मदद से अपने अपना फूड इनटेक करे, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, और उनके मोड को पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिंपल। चलिए और एक चीज जानते हैं, पैरासाइट, पैरासाइट्स, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, एंडो और एक्टो, मतलब एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट, ठीक है। तो एंडो और एक्टो का मतलब क्या हुआ, एक्टो का मतलब और एंडो का मतलब क्या हुआ? सी, तो एक्टो का मतलब हुआ ऑन और एंडो का मतलब हुआ विदिन, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट हो, किसी होस्ट को, द पैरासाइट विच डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर फूड इज नोन एज एक्टो पैरासाइट्स। और जो होस्ट के बॉडी पे डिपेंड, विद इन देयर बॉडी,